गंगा दशहरा का पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा रही। सुबह से ही लोग घाट पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए भी लोग हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। मान्यता है कि गंगा दशहरे के दिन गंगा में डुबकी लगाने से कई प्रकार के दोषों का नाश होता है। इस दिन माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर अवतरित हुई थी। हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी पर स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति भी मिलती है। यही कारण है कि देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। आज का पुण्यदायी दिवस जो गंगा दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है, आज का दिन वो दिन है जिस दिन व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को लगने वाले 10 प्रकार के दोषों को 4 शारीरिक, 3 मानसिक और 3 प्रकार के वाचिक, जो हम मुख से कहते हैं, इन त्रिविधिक दोषों को, जो 10 प्रकार के दोष हैं, इनको हरने वाला आज पुण्य पर्व गंगा दशहरा है। कि मतलब कि शिव जी की जटाओं से जो गंगा निकली थी, आज निकली थी नहाने से, और जो पाप है वो दूर रहते हैं और दान पुण्य भी करना चाहिए, और बहुत अच्छा है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं नहाने के लिए और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है गंगा दशहरा पे स्नान कर आज के दिन बहुत दान पुण्य करना चाहिए, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ आकर। श्रद्धालुओं का कहना है कि हरिद्वार के हर की पैड़ी पर स्नान करके आनंद की अनुभूति हो रही है। समय समय पर लोग यहां पर आकर स्नान करते हैं। दूर दराज से आए लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। साथ ही स्कूलों की छुट्टी होने के चलते लोग बढ़ चढ़ कर हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, विद फैमिली आए हम लोग। गंगा दशहरे का पर्व है और आके खुशी हो रही है, सारी फैमिली के साथ आए हैं। ये रही हमारी फैमिली। तो कैसा लगा दीदी आपको? अच्छा लगा, बच्चों को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत लोग आए हुए हैं आज, सभी आसपास के क्षेत्रों से सब लोग आए हुए हैं। आज गंगा दशहरा है तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही शिव जी की जटाओं से गंगा धरती पर उतरी थी, और आज का दिन से स्नान करने में बहुत अच्छा, मतलब बहुत जो शरीर के पाप होते हैं, जो कष्ट होते हैं, सब दूर होते हैं, और आज के दिन स्नान करना बहुत ही लाभदायक होता है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।